अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नंबर 7 की अर्ली डिफेंस नाइट क्रीम का रिव्यू दूंगी। क्विक सा रिव्यू होगा जिसमें मैं इसकी आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगी। नंबर 7 की एडवांस वाइटनिंग नाइट क्रीम का मैं ऑलरेडी रिव्यू दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के टॉप पर दे रही हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके ओपन करके वहाँ से रिव्यू देख सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर कलर का ये बॉक्स होता है जिसके अंदर से एक ग्लास बॉटल आपको मिलेगी विच इज़ ऑल्सो ब्लैक एंड सिल्वर। तो बेसिकली ये आपकी अर्ली डिफेंस नाइट क्रीम है। अगर आप 25+ हैं तो आप इस क्रीम को सेफली यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन पे जो अर्ली रिंकल्स आ जाते हैं एज से पहले, उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। उसके अलावा आपकी जो स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन रखती है और उसको मज़ीद इम्प्रूव करती है। इस क्रीम को डेली आपने सोने से पहले अपने नेक पे और फेस पे अप्लाई कर देना है, अवॉइडिंग द आई एरिया। आंखों के गिर्द आपने नहीं लगाना। आंखों के लिए इन्होंने अपनी अर्ली डिफेंस नाइट क्रीम फॉर आईज निकाली हुई है, आप नंबर 7 की वो यूज़ कर सकते हैं या उसके अलावा कोई और आप आई क्रीम यूज़ कर लें। तो ये आप डेली अप्लाई करेंगे अपने फेस पे और नेक पे और आपको इसका विजिबल डिफरेंस ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद फील होगा। ये नहीं है कि आप इसको एक दिन यूज़ कर रहे हैं या हफ्ता आपने यूज़ किया तो आपको इसका डिफरेंस फील हो जाएगा। आपको एटलीस्ट इसको 1 महीना यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका डिफरेंस फील होगा। इसकी रीज़न ये है कि नंबर 7 की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो हाइपो एलर्जिक होती हैं। इसमें उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्ग्रीडियंट नहीं ऐड किया होता जो आपकी स्किन पर कोई एडवर्स रिएक्शन करे, या कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स देते हैं बट अल्टीमेटली उनके आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट होते हैं या एलर्जिक रिएक्शन दे देते हैं वो स्किन पे। तो नंबर 7 के प्रोडक्ट्स में ऐसे कोई इन्ग्रीडियंट शामिल नहीं होता। अब आप इसके बॉक्स पे देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इट इज़ अ नाइट क्रीम विच इज़ वेरी लाइट एंड नॉन पोर ब्लॉकिंग। नॉन पोर ब्लॉकिंग का ये मतलब है कि ये आपके जो स्किन के पोर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करती। वो क्रीम्स जो आपके पोर्स को ब्लॉक करती हैं उसकी वजह से आपकी स्किन पे एक्ने, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा इस क्रीम में सीन नहीं है, सो यू कैन सेफली यूज़ इट। इसके अलावा इसमें डबल डिफेंस टेक्नोलॉजी शामिल की गई है और विटामिन ए है जो आपकी फर्स्ट फाइन लाइन्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यूजली गर्ल्स 35+ के बाद अपने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करती हैं जिसकी वजह से उन पर कोई भी चीज़ इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइन्स अपेयर हो चुकी होती हैं। तो अगर आप टाइमली कोई स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर लें जो कि आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स आने ही ना दें, दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन कि आप बाद में जाके बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स यूज़ करें और उनका भी कोई फ़ायदा ना हो। तो ये क्रीम उन्हीं में से एक है जो 25+ गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं ताकि अर्ली रिंकल्स और अर्ली जो फाइन लाइन्स हैं वो आपकी स्किन पर अपेयर ही ना हो। बॉक्स की दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मोस्ट सेंसिटिव स्किन गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इट इज़ अ हाइपो एलर्जी प्रोडक्ट सो इट कैन बी यूज सेफली। क्रीम मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसी होती है अंदर से। अभी आप देख सकते हैं क्वान्टिटी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं मुझे उसको यूज़ करते हुए। थोड़ी सी क्वान्टिटी मैं आपको अपनी स्किन पर लगा के दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत लाइट वेट क्रीम है जो इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में। फ्रेगनेंस इस क्रीम की मुझे नहीं पसंद क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है और पर्सनली मुझे क्रीम्स में स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेस नहीं पसंद। ये क्रीम आपके पास 50 ml की बॉटल में आती है जो इजीली आप 2 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज गर्ल्स हु आर 25+ एंड वॉन्ट टू इंक्लूड एनी गुड प्रोडक्ट इन देयर स्किन केयर रूटीन। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।